अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है टी वन मैथमेटिक्स की लेक्चर नंबर 4 में और एक्सरसाइज 1 में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हमने फाइंड करना है कि ये जो गिवन नंबर्स आपको हैं आपने ये बताना है कि ये प्राइमरी या कंपोजिट नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 87। अब 87 को हमने बताना है ये प्राइमरी या कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक शॉर्ट वे बताया था कि कैसे हमने किसी भी नंबर को देखना है जल्दी से कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो आपने क्या करना है, जो भी आपने चेक करना हो कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, आपने उसका स्केयर रूट ले लेना है। जैसे मैंने चेक करना है 87 का आपने स्केयर रूट लेना है। जब इसका स्केयर रूट लेंगे आप तो आपके पास ये नंबर आएगा 9.32 एंड सम। तो आपने क्या करना है, पॉइंट के लेफ्ट साइड पर जो नंबर होगा, पॉइंट के लेफ्ट साइड जो नंबर लिखा होगा, पहले मैंने आपको बताया था जैसे 9 लिखा होगा, आपने पॉइंट के पहले वाले डिजिट को देखना है। अब यहाँ पे देखिए 9 है, तो आपने क्या करना है, 9 से लेस जितने भी प्राइम नंबर है, 9 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, उनसे आपने जिस नंबर को आप चेक कर रहे होंगे उसको डिवाइड करके देखना है। अगर उनमें से वो किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो गया तो हम कहेंगे ये कंपोजिट नंबर है, नहीं तो हम कहेंगे ये प्राइम नंबर है। देखिए हमारे पास जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें हमारे पास 9 है, तो हम देखेंगे 9 से छोटे कितने प्राइम नंबर्स हैं। हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेस देन 9 कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7। अब क्या करना, हमने पहले 2 से 87 को डिवाइड करके देखेंगे, फिर 3 से इसको चेक करेंगे कि 3 जो है 87 को डिवाइड कर देते हैं, फिर 5 से देखेंगे, फिर 7 से देखेंगे। तो पहले देखें 2 के टेबल में 87 आता है, तो ये देखें लास्ट पे अगर 0 हो या इवन नंबर हो तो हमारे पास जो नंबर होता है वो 2 के टेबल में आता है, तो ये 2 के टेबल में आता। फिर 3 से चेक करेंगे, तो 3 से देखें 3 के टेबल 3 का रूट क्या है, इन दोनों डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे। अब 8 + 7 = 15, 15 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है 87 भी 3 के टेबल में आएगा। तो क्या हुआ, देखें हमने ये नंबर चेक करना था कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, और उसके लिए हम क्या कर रहे थे, इन तमाम नंबर से डिवाइड करके इसको देख रहे थे। तो ये देखेंगे 3 से डिवाइड हो गया, तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास गिवन नंबर है ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये डिविजिबल है। अगर ये डिवाइड ना होता तो ये प्राइम नंबर होता। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट सी पे। अब हमारे पास गिवन नंबर है 73 को हमने चेक करना है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी नंबर आपने चेक करना होगा प्राइमरी या कंपोजिट है तो उसका पहले स्केयर रूट ले लेंगे। इस 73 का जब स्केयर रूट ले लेंगे तो आगे हमारे पास 8.54। तो फिर मैंने कहा कि पॉइंट से लेफ्ट साइड पर जो नंबर होगा उससे लेस आपने देखने कितने प्राइम नंबर्स हैं, उससे छोटे इंटीग्रल पार्ट में जो डिजिट होगा उससे लेस कितने प्राइम नंबर्स हैं। अब 8 है तो 8 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं वो हमारे पास है 2, 3, 5, 7। अब हम देख रहे हैं कि ये जो 73 है ये 2 के टेबल में आ जाता है, 3 के टेबल में आ जाता है, 5 के, 7 के। तो जब आप चेक करेंगे ना तो ये इनमें से किसी के टेबल में भी नहीं आएगा, तो ये नहीं जा रहा। इसका मतलब है ये हमारे पास जो है ये कंपोजिट नंबर नहीं है बल्कि ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन, लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। हमने क्या करना है, नीचे जो नंबर्स गिवन होंगे उनकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है और आंसर को हमने लिखना है इंडेक्स नोटेशन में। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 72, तो 72 को पहले फैक्टराइज करेंगे। 72 यहाँ पर लिखा 2, 3, 6 एक बज गया, ये 12 हो गया, 2, 6, 12। आगे फिर ये 2 के टेबल में आता है, 2, 1, 2 एक बज गया, ये 16 हो गए, 2, 8, 16। फिर 18 आ गया, 18 फिर अगेन 2 के टेबल में आता है, तो ये 2, 9, 18 9 आ गया, 9 आपको पता है कि 3 के टेबल में आएगा, 3, 3, 9 और ये 3, 1, 3। अब ये हमारे पास 72 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2, 2, 2, 3, 3। तो पहले क्या करेंगे, 73 की जगह पे उसके प्राइम फैक्टर्स को लिख देंगे, 72 की जगह पे उसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 कितने टाइम आ रहा है, तो जितने टाइम वो वाला होगा उतनी उसकी पावर लिख देंगे। अब 2 यहाँ पे 3 टाइम है तो 2 की पावर 3 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 3 यहाँ पे 2 टाइम है तो 3 की पावर 2। तो ये देखिए इंडेक्स फॉर्म में मैंने 72 को लिख दिया, पहले उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, फिर उसके जो प्राइम फैक्टर्स थे उनको इंडेक्स नोटेशन में मैंने लिख दिया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर डी के पार्ट बात करते हैं। अब हमारे पास जो नंबर गिवन है वो 630 है, तो इसकी पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 630 को हमने यहाँ पर रखा, तो इसको देखेंगे ये 2 से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है क्योंकि लास्ट में 0 नंबर है, 0 डिजिट है, तो 2, 3, 6 या ऐसे कर लें 2, 3, 6 और ये 2, 2, 1, 2 1 कह दिया गया, ये 10 बन गया, 2, 5 बन गया।
अब आगे 315 है तो 3 10 30, उसके बाद ए क्या लिया गया, ये 15 बन गया, 3 5 15। अगेन देखिए ये 3 के टेबल में आएगा तो ये हम करेंगे 3 3 9, 1 बज गया 15 बन गया, और 3 5 15। अब ये किसके टेबल में आएगा, ये 5 के टेबल में, 5 7 35, और फिर लास्ट में 7 बज गया 7 7 के टेबल में आएगा, 7 1 7। तो अब हमारे पास ये जो 630 है इसके हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। पहले ये प्राइम फैक्टर्स को लिखा मैंने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि कौन सा नंबर कितने टाइम यहाँ पे अगर कर रहा है, कितने टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 1 टाइम 2 की पावर 1 मैंने लिख दी, फिर 3 यहाँ पे 2 टाइम 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ए की दफा आ रहा है, तो 5 की पावर 1 7 भी 1 टाइम 7 की पावर 1 मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास 630 की इंडेक्स रिलेशन आ गई और ये हमारे रिक्वायर्ड फील्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर देखिए ये जो सिंबल है ये स्केयर रूट का सिंबल है, स्केयर रूट का साइन है। तो मतलब कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में स्केयर रूट फाइंड करना है और आगे वाले कुछ पार्ट्स हमने क्यूब रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो पहले हमारे पास स्केयर रूट है, तो स्केयर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो 1764 है इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमने 1764 को यहाँ पे रखा, तो पहले देखेंगे इसके टेबल में ये 1764 आ रहा है, तो लास्ट पे इवन डिजिट है तो मतलब ये 2 के टेबल में आएगा। तो ये देखिए 17 अगर 2 8 16, 1 बज गया, ये 16 बन गया, अगेन 2 8 16, तो हमारे पास लास्ट पे क्या आ गया, 2 2 4, लास्ट पे फिर हमारे पास इवन डिजिट है तो ये अगेन 2 के टेबल में आएगा, 2 4 8 2 4 8 और 2 1 8। अब देखेंगे ये 2 के टेबल में आता है, लास्ट पे इवन डिजिट नहीं है तो 2 के टेबल में नहीं आता। अब देखेंगे 3 के टेबल से इसको चेक करेंगे, तो 3 के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले चेक करने के लिए 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, तो 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 4 4 4 1 भी 3 के टेबल में आएगा। तो ये क्या करेंगे, 3 1 3, 1 बज गया, ये 14 बन गया, 3 4 12, फिर 2 बज गया, ये 21 बन गया, और 3 7 21। अगेन देखें ये 3 के टेबल में आएगा, 3 4 12, 2 के लिए आ गया, 3 9 27, फिर ये 7 के टेबल में आएगा, 7 7 49 और 7 1 7। अब हमारे पास 1764 के ये प्राइम फैक्टर्स हम डिफाइन कर दिए। अब क्या करेंगे, जहाँ भी ये 1764 है इसकी जगह पे इसके सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख देंगे। तो हमने क्या किया जी, 1764 की जगह पे इसके ये सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब हमने क्या करना है, दो दो नंबर्स के पेयर्स बनाने हैं। दो दो के क्यों पेयर बनाने, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं ना लिखा होता, यहाँ पे 2 होता है तो जितना उसका ऑर्डर होता है उतने नंबर्स का हम पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पे 2 है तो हमने दो दो नंबर के पेयर बनाने हैं, ये 2 की पावर 2 आ गया, फिर 3 की पावर 2, उसके बाद 7 2 टाइम 7 की पावर 2। फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर हर एक नंबर के ऊपर अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, तो 2 की पावर 2 के ऊपर अलग ये आ गया, फिर 3 की पावर 2 के ऊपर, फिर 7 की पावर 2 के ऊपर, और ये 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 2 उसके रूप से कैंसिल, ये जो स्केयर है इसके रूप से कैंसिल। तो हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर्स आ गए वो कौन से आ गए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 और 6 7 42। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, 1764 का स्केयर रूट हमारे पास क्या आ गया, 42।